जब भी आप लोग जिम स्टार्ट करते हो तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आता ही है कि ये जो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए एंड कितने रिपीटेशंस परफॉर्म करने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कम रिपीटेशंस परफॉर्म करने चाहिए लेकिन फिर उसमें इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा रैप्स परफॉर्म करने चाहिए लेकिन फिर उसमें हम लोग सिर्फ कटिंग के दौरान ही उतने रिपीटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम लोग बल्किंग कर रहे हैं तो फिर हमें ज्यादा रैप्स नहीं लगाना चाहिए। कई सारे मिथ्स है इस पर रिपीटेशंस एंड सेट्स की कैटेगरी में, सो हम लोग यही सारी चीजों को क्लियर करेंगे एंड हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी रैप रेंज है जिसके अंदर आप मैक्सिमम मसल्स बिल्ड कर सकते हो। मार्केट में एक्चुअली कई सारी रैप रेंजेस हैं, सो फॉर एग्जांपल 1-3 रैप्स आप परफॉर्म कर सकते हो, फिर 3-6, फिर 5-10, फिर 10-15 एंड सो ऑन। बहुत सारी रैप रेंजेस है जो आप परफॉर्म कर सकते हो एंड आपको फायदे भी दिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ दो ही कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं एंड उन दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी आपके लिए होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको इन दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहले हम लोग 1-3 रैप्स के बारे में बातचीत करते हैं थोड़ी। ये रैप रेंज एक परफेक्ट रैप रेंज है आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2-3 साल से आप जिम कर रहे हो एंड आपको पता लगाना है कि ये एक एक्सरसाइज के अंदर आप मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो, सो उसके लिए आपको 1 RM परफॉर्म करना होगा। मतलब आप सिर्फ 1 रैप परफॉर्म कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा वेट बार के ऊपर रखना होगा कि आप 1 से ज्यादा रैप लगा ही ना पाओ एंड तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है। सो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए 1-3 रिपीटेशन परफेक्ट है एंड स्पेशली आपने देखा होगा कि पावर लिफ्टर जो होता है वो हमेशा 1-3 रैप्स के अंदर ही वर्कआउट्स परफॉर्म करते हैं एंड इसके पीछे का रीजन ये नहीं होता कि वो लोग आलसी होते हैं। उन लोगों के लिए 1-3 रिपीटेशंस बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, जबकि आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हमेशा 10-15 रैप्स परफॉर्म करते हैं एंड वो लोअर रैप्स परफॉर्म करने की ट्राई नहीं करते क्योंकि वो लोग इंजर्ड हो सकते हैं। सो 1-3 रिपीटेशंस मैंडेटरी है पावर लिफ्टर्स एंड वेट लिफ्टर्स के लिए एंड फिर उनका जो भी प्रोग्राम होगा वो लोग अपने प्रोग्राम के हिसाब से रिपीटेशंस को ऊपर नीचे करते हैं। कभी वो लोग ज्यादा रैप्स परफॉर्म करते हैं एंड कभी कभी वो लोग थोड़ी कम रैप्स परफॉर्म करते हैं लाइक 1-3। लेकिन इसके अंदर कैच ये है कि अगर आप 1-3 रिपीटेशंस परफॉर्म करते हो तो फिर आपकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी लेकिन मसल्स कुछ खास इंक्रीज नहीं होंगे। सो अगर आपका मेन गोल मसल बिल्डिंग है तो फिर अगर आप 1-3 रैप्स करने की ट्राई कर रहे हो क्योंकि आपके जिम के अंदर जो लड़कियां आती है आपको उनको इंप्रेस करना है 60 kg के वेट से, तो फिर आप कर सकते हो लेकिन उससे वो लोग ना तो इंप्रेस होने वाले हैं ना तो आपको कुछ फायदा होगा। सो इससे अच्छा ये रहेगा कि अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है जो आपको नहीं करना चाहिए एंड जिम के अंदर आपका ये मेन गोल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ईगो लिफ्टिंग करना पसंद है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने मसल्स को सिर्फ ईगो लिफ्टिंग करने के लिए। एंड आप जो भी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर वीडियोज देखते हो जिसमें लोग ईगो लिफ्टिंग को प्रमोट करते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हो एंड आपको कुछ गेन्स दिखेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्टिमली अपनी ट्रेनिंग को कस्टमाइज करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके मसल्स जितने हो सके उतने ज्यादा ग्रो हो, तो फिर आपको एक्चुअल में ट्राई भी करना होगा ऐसा कि आप वही सारी चीजें करो जो मसल ग्रोथ को प्रमोट करें। इसलिए 1-3 रिपीटेशंस अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो फिर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर आपको बस ऐसे ही मन करे क्योंकि मुझे जानना होगा कि बेंच प्रेस के अंदर मैं मैक्सिमम कितना वेट उठा सकता हूं, तो फिर आप महीनों में एक बार आप इस तरह से 1 RM और 3 repetitions के sets लगा सकते हो, लेकिन अगर आप हर session में 1-3 reps perform करते हो तो फिर जो stimulus to fatigue का ratio होगा वो बहुत बेकार बन जाएगा and भूल ही जाओ कि आपके muscles gain होंगे। stimulus to fatigue ratio इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी body को कितना थका रहे हो and in comparison में आप कितने muscles put कर रहे हो। so अगर आपने 3 repetitions लगाए स्क्वाट्स करते हुए, बारबेल स्क्वाट्स आप परफॉर्म कर रहे हो एंड आपने सिर्फ 3 रैप्स लगाए, तो फिर आप बहुत डेंजरसली ज्यादा थक जाओगे क्योंकि अगर आप एक्चुअल में एक एडवांस हो एंड अगर आपको इस वेट से सिर्फ 3 रिपीटेशन से लगा पाओगे तो फिर
वो वेट बहुत ज्यादा होगा आपके लिए। जब आप वेट को उठाओगे एंड फिर पीछे जाओगे तो फिर आप जल्दी पीछे भी नहीं जा पाओगे क्योंकि वेट ही इतना ज्यादा होगा। एंड फिर आप एक रैप लगाओगे जो बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद दूसरा रैप एंड फिर तीसरा रैप। ये तीनों रैप करने में आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फटीग अक्यूमुलेट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खास मसल्स नहीं बनने वाला आपके कॉर्ड्स के अंदर। हाँ, मतलब कुछ मसल्स इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि आपने वेट्स उठाए हैं एंड अब सिग्नल दे रहे हो अपने मसल्स को कि मुझे इतना वेट उठाना है, सो कृपया करके अपनी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देना ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं ये वेट थोड़ी ज्यादा आसानी से उठा पाऊँ। हाँ, आप ऐसी चीजें कर रहे हो लेकिन कॉर्ड्स के अंदर जो एक्चुअल में हाइपरट्रॉफी क्रिएट होनी चाहिए ऑप्टिमम मसल ग्रोथ के लिए, वो आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। आपके मसल्स ताकतवर होंगे दूसरे सेशन में लेकिन वो ग्रो नहीं होंगे कुछ खास। अगर आपको और भी ज्यादा डीपली ये सारी चीजों के बारे में जानना है कि हमें कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए, कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए, एग्जैक्टली अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपको किस तरह से रिपीटेशंस को इंक्रीज करना चाहिए, फिर कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस होती है बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, एंड फिर किस तरह का आपको डाइट मेंटेन करना चाहिए जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट करने के लिए, एंड वो भी कम टाइम फ्रेम में। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हमारे पास तो फिर उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट में ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए एंड इसका फायदा उठा सके। उस लिंक को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दूसरा जो मेन पॉइंट है 1-2-3 रिपीटेशंस के अंदर वो ये है कि आप कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप बाइसेप कर्ल्स में 3 रिपीटेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आप बिल्कुल भी मसल गेन नहीं करने वाला है एंड आपके बाइसेप्स ना तो ताकतवर होंगे ना तो उनकी साइज इंक्रीज होगी। सो जो भी छोटे मसल्स है बाइसेप्स ट्राइसेप्स एंड अगर आप काफ स्ट्रेन कर रहे हो तो फिर सोचो कि आपने बस 3 ऊपर नीचे किया एंड बस खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो। सो आइसोलेशन मूवमेंट्स आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते 1-3 रिपीटेशंस के अंदर। कंपाउंड मूवमेंट्स अगर आप परफॉर्म करते हो तो फिर हाँ कोई बात नहीं, आप पावर लिफ्टर हो, आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, आपको कॉम्पिटिशन में जीतना है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो फिर करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 8-15 रिपीटेशंस के बारे में। ये रिपीटेशन की रेंज एकदम परफेक्ट है अगर आपको मसल ग्रोथ करना है तो। आपके सारे मसल्स के अंदर ऑप्टिमली हाइपरट्रॉफी क्रिएट होगी जिससे उनको ये सिग्नल बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि उनको ग्रो होना होगा एंड वो ताकतवर भी होंगे लेकिन इतने कुछ खास नहीं होंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके मसल्स ताकतवर भी हो एंड उसके साथ साथ साइज भी इंक्रीज करे तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे रहना होगा। हम लोग 8-15 रैप्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि साइज के साथ साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो तो फिर आपको 8, 9, 10 रैप्स लगाने होंगे। लेकिन फिर अगर आप 12, 13, 15 रैप्स लगा रहे हो तो फिर चांसेस थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे कि आप स्ट्रेंथ इंक्रीज करोगे क्योंकि ये थोड़े ज्यादा रिपीटेशंस है। लाइक आप धीरे धीरे हर एक सेशन में 1-2 रिपीटेशंस ऐड कर सकते हो, 2 भी ज्यादा हो गया। मान लीजिए कि आप 1 रिपीटेशंस ऐड कर पाओगे, थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर पाओगे हर 1 महीने में, वो सबसे बेस्ट स्पीड नहीं रहेगी। अगर आपको स्पीड चाहे तो फिर रैप्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना एंड मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में अगर आप 8, 9, 10 रैप्स लगाते हो तो फिर आपके मसल्स ग्रो हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम लोग शोल्डर्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की बात करें तो फिर हाँ, अगर आप थोड़े ज्यादा रैप्स लगाओगे तो फिर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जब भी आप शोल्डर की एक्सरसाइज करो एंड उसके अंदर आपने डिसाइड किया कि मुझे स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, मुझे ताकतवर शोल्डर्स चाहिए, इसलिए आपने 8 रैप्स लगाए 20 kg के डंबल्स एंड दूसरे सेशन में मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो लेफ्ट शोल्डर होगा वो थोड़ा ज्यादा ही दर्द करेगा एंड अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करने वाला क्योंकि आपके शोल्डर्स एंड बाइसेप्स एग्जैक्टली इस तरह से डिजाइंड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वेट्स उठा पाए। एंड अगर आपको एक्चुअल में जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट करने हैं अपने शोल्डर्स में, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, तो फिर अच्छा यही रहेगा कि आप 11-13 रैप्स परफॉर्म करो। ऑफकोर्स आप 15 भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हमेशा जो भी शोल्डर्स की एक्सरसाइज होती है उसके अंदर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 13 रैप्स लगा पाऊँ हर एक एक्सरसाइज में। वेट्स ऑब्वियसली मैं कम चूज करता हूँ लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट करूँ। कुछ खास गोल नहीं रहता कि मुझे वेट्स हर एक सेशन में इंक्रीज करना है। अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज में लाइक
ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं सिर्फ 12.5 के जगह डंबल्स लेटर रेजेस परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। मोस्ट ऑफ द लोगों से फिर भी मेरे शोल्डर्स कुछ ज्यादा ही बड़ा है। सो आप एक सीन इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान ने अभी नया नया जिम ज्वाइन किया है एंड वो स्क्वाट्स लगा रहा है एंड आपने उसको बोला कि तू सिर्फ 3 रिपीटेशन लगा सकता है, तुझे इतने ही वेट लगाना है बार के ऊपर कि तेरे से 3 रैप्स से ज्यादा रैप्स नहीं होने चाहिए। वो जो भी बिगिनर है उसने 60 kg और 70 kg बार के ऊपर लगाया, मेबी 50 kg उसने लगाया एंड फिर भूल जाओ कि उसकी टेक्निक अच्छी होगी। अगर दुनिया का सबसे बेस्ट कोच भी उसको कोचिंग दे रहा है लेकिन फिर भी वो अपनी टेक्निक 3 रैप्स के अंदर सीख नहीं सकता, क्योंकि उसका मेन गोल सिर्फ वही होगा कि उसको कैसे न कैसे करके उस वेट को ऊपर लेकर आना है। आप ज्यादा रिपीटेशंस परफॉर्म कर सकते हो अपने छोटे मसल्स के लिए। दूसरा जो बेनिफिट है इस रैप रेंज का वो ये है कि आप एक्चुअल में टेक्निक सीख पाओगे। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाते हो, एडवांस हो जाते हो लिफ्टिंग के कैटेगरी में, सारे एक्सरसाइजेस को आपको पता चल गया है कि किस तरह से एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती है, टेक्निक किस तरह से मेंटेन की जाती है, तब अगर आप 1-3 रिपीटेशंस परफॉर्म करते हो तो भी आपकी टेक्निक अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और अपने सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से जाना नहीं है तो फिर आप टेक्निक नहीं सीख पाओगे कम रिपीटेशंस के अंदर। लेकिन जब आप 8-15 रिपीटेशंस परफॉर्म करते हो तो फिर उसमें किसी को भी टेक्निक सिखाना बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि वो वेट्स थोड़े से लाइट होते हैं एंड वो इंसान एक्चुअल में उन वेट्स को ज्यादा आसानी से हिला पाता है। सो वो एक्चुअल में अगर आप उसको बोलोगे कि इस तरह से नहीं बैठा जाता, इस तरह से हमें अपनी पूरी स्पाइनल कोड को सीधा रखना होता है एंड फिर ऊपर आना होता है, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ नेक्स्ट सेट में मैं ये चीज ट्राई करूंगा। एंड इसके अंदर जो स्टिमुलस टू फटीग का रेशियो होता है वो भी परफेक्ट होता है। आपकी बॉडी जितना फटीग अक्यूमुलेट करती है उनके कंपेरिजन में वो अच्छे खासे मसल्स भी पुट करेगी। सो आपका फायदा है इसके अंदर। ओके, सो आपको सारी चीजें पता चल गई है कि कौन से सबसे मस्त रैप रेंजेस हैं। अब आपको इनमें से कौन सी फॉलो करनी चाहिए। सो अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा मसल्स पुट करो, तो फिर आपको 8-15 रैप्स के अंदर ही सारी एक्सरसाइजेस को ट्रेन करना चाहिए एंड आप इस रैप रेंज को लाइफ टाइम भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब आप 3-4 साल से सीरियसली ट्रेनिंग करने लगोगे तो फिर आपको पता लगने लगेगा कि ओके मुझे शायद रिपीटेशंस थोड़े इंक्रीज करने चाहिए, इन एक्सरसाइजेस में थोड़े रिपीटेशंस डिक्रीज करने चाहिए, इन सारे एक्सरसाइज। अगर आपको अभी नहीं पता तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना, आपको सारी एक्सरसाइज 8-15 रैप्स परफॉर्म करने हैं अगर आपको मसल्स बनाने हैं, तो वो सारी चीजें आपको फ्यूचर में पता लग जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपको उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी है, नहीं मुझे इतना वीकलिंग सा नहीं बना रहना, मुझे थोड़ा ज्यादा वजन उठाना है क्योंकि उसके अंदर मजा आता है एंड मैं थोड़ा ज्यादा ताकतवर एंड कंफर्टेबल फील करता हूँ अपनी बॉडी के अंदर, कोई बात नहीं। जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स होगी उसके अंदर आपको 3-5 रिपीटेशंस परफॉर्म करना है, जिससे आप इंजर्ड भी नहीं हो जाओगे एंड आप वेट्स भी अच्छी खासी स्पीड से इंक्रीज कर पाओगे। सो आपको 1-3 रिपीटेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सट्रीम बन जाएगा, इसलिए आप 3-5 रिपीटेशंस परफॉर्म कर सकते हो एंड आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन आपको 3-5 रिपीटेशंस सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स में ही परफॉर्म करना है। अगर आप आइसोलेटेड मूवमेंट्स में 3-5 रैप्स परफॉर्म करोगे तो फिर ना तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है ना तो आपकी मसल्स इंक्रीज होगी। सो अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है कंपाउंड मूवमेंट्स में तो फिर आप 3-5 रैप्स परफॉर्म कर सकते हो एंड अगर आपको आइसोलेशन मूवमेंट्स में ज्यादा वेट्स उठाना है तो फिर आप 10, 9 और 8 रिपीटेशंस परफॉर्म कर सकते हो एंड उससे आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।